हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने VN एप्लीकेशन को यूज करके एंड इस तरह का थ्री लेयर वाले वीडियो जैसे एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह का थ्री लेयर वाले वीडियो जैसे एडिट करना बहुत ही ईजी है, आप लोग भी एडिटिंग कर सकते हो वन स्टेप में। ठीक है, सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना एंड चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। ठीक है, और इस तरह का फोटोज भी आप लोग को कहाँ से डाउनलोड करना है, इसको वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है, सारा आप लोग को इस वीडियो में जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो इस तरह का वीडियो दोस्तों एडिटिंग करने वाला है VN एप्लीकेशन में। ठीक है, अगर आपके पास VN एप्लीकेशन है ना तो आप लोग को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो प्ले स्टोर से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप लोग को हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपली आप हमारे वीडियो का माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोग को इस तरह का कपल वाले फोटोज जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इस तरह का कपल वाले फोटोज आप लोग को कहाँ से मिलेगा, देन इस तरह का कपल वाले फोटो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप लोगों को ये पिंटरेस्ट टाइप की जरूरत पड़ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग को प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है, देन पिंटरेस्ट टाइप तो आप लोगों को सामने आ जाएगा, सिंपली आप लोग को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से पिंटरेस्ट ऐप को ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन करने के बाद आप लोग को सिंपली जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो नीचे में आप लोग को एक सर्च का आइटन देखने को मिल जाता है सिंपली। ठीक है ना, सो आप लोग को सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है कपल कार्टून फोटो। ठीक है, तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप लोग को कपल कार्टून फोटो लिख करके सर्च कर देना। ठीक है ना, सर्च करने के बाद जैसे कि देख सकते हो आप लोग का सामने बहुत सारा कपल वाले फोटो दोस्तों आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग जो चाहे उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप लोग को यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद आप लोगों को VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, देन उस पर आप लोग को जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पहले से अगर आपने कोई भी वीडियो एडिट करके रखा होगा दोस्तों तो आपका वीडियो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, उस पर आप लोग को न्यू वीडियो एडिट करने के लिए देन आप लोग यहाँ पर प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना। ठीक है, सो इस तरह से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है ना, सो आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद आप लोग को वीडियो वाला ऑप्शन पे रहेगा, सिंपली आपको यहाँ से फोटो वाला ऑप्शन पे कर देना। ठीक है, तो इस तरह से फोटो वाला ऑप्शन पे कर देना, देन उसके बाद आपने जो भी फोटोज को डाउनलोड किया दोस्तों फोटो को आप लोग को फर्स्ट में यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपली आपको कोई भी एक फोटो यहाँ से ऐड कर लेना। ठीक है, जैसे मैं ये वाली फोटो फर्स्ट में ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि देख सकते हो कुछ इस तरह से आप लोग को ऐड कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ से रेशियो सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। ठीक है ना, रेशियो आप लोग को सिलेक्ट करने के लिए देन आप लोग को यहाँ पर एक ओरिजिनल का ऑप्शन मिल जाता है, देन आप लोग को ओरिजिनल ऑप्शन पर क्लिक करना, उसके बाद आप लोग को यहाँ से 9:16 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो हमारा शॉर्ट वीडियो का जो साइज रहता है वो साइज में आ जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग को फोटो को कुछ इस तरह से छोटा कर लेना दोस्तों, फोटो को क्लिक करके। ठीक है ना, तो आप लोग अपने हिसाब से कुछ यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग को दूसरी फोटो ऐड करने के लिए देन आप लोग को यहाँ पर एक PIP का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली ये वाली। ठीक है ना, सो आप लोग को PIP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, उसके बाद आप लोग को दूसरी वाली फोटो फिर से दोस्तों ऐड कर देना। ठीक है, ऐड करने के बाद आप लोग को कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह से अपने हिसाब से रख देना। ठीक है, अगर आप लोग को थोड़ा सा अगर जो सिर जो दिख रहा है दोस्तों माथा, यानी कि जो आप लोग का फोटो का जो माथा दिख रहा है ना, तो इसको आप लोग को थोड़ा सा क्रॉप कर लेना। ठीक है, तो क्रॉप करने के लिए थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक कटआउट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है ना, सो आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है, देन फोटो का कुछ साइज आप लोग को थोड़ा सा कम कर देना। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो मैं कुछ इस तरह से कम कर लिया हूँ, तो इस तरह से आप लोग को फोटो का साइज थोड़ा सा कम कर देना दोस्तों। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद आप लोग अपने हिसाब से कुछ इस तरह से आप लोग को बैठा लेना। ठीक है, ताकि जहाँ भी थोड़ा आपको देखने में अच्छा लग रहा है ना, उसको यहाँ से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आप लोग को तीसरी वाली फोटो दोस्तों ऐड करने के लिए सेम फिर से आप लोग को यहाँ पर PIP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है ना, तो यहाँ पर PIP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, फिर से आप लोग को वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग को तीसरी वाली फोटो फिर से सेम आप लोग को ऐड कर देना। ठीक है, तो इसका साइज कुछ इस तरह से आप लोग को बढ़ा देना। ठीक है ना, जैसे कि देख सकते हो कुछ इस तरह से आप लोग को पूरा फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना। ठीक है ना, स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक मास्क का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये वाले। ठीक है ना, तो आप लोग को मास्क वाला ऑप्शन क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग को थर्ड वाला ये वाला लेयर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको सिलेक्ट करना, जैसे कि देख सकते हो हमारा कुछ फोटो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ चुके। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दो एरो का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी मदद से आप लोग ये छोटा और बड़ा कुछ भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग को और दो एरो का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट में यहाँ पर नीचे, देन ऊपर में और एक एरो यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस एरो की मदद से थोड़ा सा कुछ इस तरह से डार्क कर देना, जैसे कि देख सकते हो काफ़ी कमाल की लग रही है देखने में। ठीक है ना, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद आप लोग को इसका साइज कुछ इस तरह से आप लोग को बना लेना, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरह से रख देना। ठीक है ना, तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों काफ़ी कमाल की इमेज हमारा बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को लास्ट में आप लोग एक VN एप्लीकेशन वाटर मार्क मिलेगा ब्लैक कलर में, तो सिंपली आपको डिलीट कर देना। ठीक है,
क्लेट करने के बाद आप लोग को जितना भी अपने वीडियो का लेंथ रख लो, ज़्यादा कुछ इस तरह से 10-15 सेकंड का आप लोग को बढ़ा लेना है, ठीक है। बढ़ाने के बाद दोस्तों आप लोग को इसमें एक लिरिक्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिरिक्स ऐड करने के लिए सेम फिर से आप लोग को PIP वाला ऑप्शन क्लिक करना है, फिर से आप लोग को वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को इस बार यहाँ से वीडियो वाला ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है ना। वीडियो वाला ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों उसके बाद आपने जो भी लिरिक्स को डाउनलोड करके रखा है वो लिरिक्स को यहाँ से ऐड कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं ये वाले लिरिक्स दोस्तों यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि देख सकते हो हमारा लिरिक्स कुछ इस तरह से। अगर आप चाहें तो खुद का भी लिरिक्स बना सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो खुद का लिरिक्स बनाने के लिए देन आप लोग को यहाँ पर एक म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, फिर से म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को यहाँ से जो भी आपका फेवरेट म्यूजिक है दोस्तों म्यूजिक को यहाँ से ऐड कर लेना। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो ये वाली। तो आप लोग टेस्ट को ऊपर क्लिक करके देन यहाँ से आप खुद का भी लिरिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से बने बनाए हुए लिरिक्स दोस्तों आप लोग को यूज करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो कुछ लिरिक्स मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। तो आप लोग को इस तरह का लिरिक्स दोस्तों आप लोग को हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा मिल जाएगा, सिंपली आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद आप लोग को लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को इसका जो ब्लैक पार्ट है दोस्तों आप लोग को ब्लैक पार्ट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लैक पार्ट हटाने के लिए देन आप लोग को थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हैं ये वाले, ठीक है ना। तो आप लोग को ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप लोग थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर स्किन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ये वाले, ठीक है ना। जैसे कि देख सकते हो काफी कमाल की लग रही है। देन उसके बाद आप लोग यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद आप लोग का लिरिक्स का हिसाब से दोस्तों जहाँ पर भी आप लोग का लिरिक्स मैच करता है सिंपली वहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग को रख देना, ठीक है ना। ऐड करने के बाद आप लोग का वीडियो कुछ इस तरह से बन करके कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। एक बार मैं आप लोग को वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो काफ़ी कमाल की वीडियो दोस्तों हमारा बन चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने ब्लैक वाले इफेक्ट भी इसमें ऐड करना चाहते हो दोस्तों तो वो भी इफेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऐड करने से क्या होता है कि वीडियो और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी में बन जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को इफेक्ट भी ऐड करके दिखा देता हूँ। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए देन आप लोग को फिर से PIP वाला ऑप्शन क्लिक करना, फिर से आप लोग को वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करना, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने जो भी इफेक्ट को डाउनलोड करके रखा हुआ तो इफेक्ट को यहाँ से ऐड कर देना, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो ये वाले इफेक्ट मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो इसका भी लिंक आप लोग को हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा देर स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक खेल का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली ये वाले, जैसे देख सकते हो ये वाले, ठीक है ना। सो आप लोग को ऐसे फिल कर देना। फिल करने के बाद आप लोग को सेम फिर से ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ से स्कैन कर देना, ठीक है। स्कैन करने के बाद आप लोग को ऐसे डन कर देना। डन करने के बाद जैसे कि देख सकते हो आपका वीडियो कुछ इस तरह से बन करके कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। काफ़ी कमाल की वीडियो लग रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा फुल वीडियो को एडिट कर लेना दोस्तों, ठीक है। एडिट करने के बाद आप लोग इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोग को यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली ये वाले। देन आप लोग को एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना। उसके बाद आप लोग दोनों को कभी भी पूरा 100% करके रख लेना। देन उसके बाद आप लोग को थर्ड वाला आप लोग को 50 के आसपास पूरी तरह से रख लेना, ठीक है। आपका वीडियो बहुत ही हाई क्वालिटी में डाउनलोड हो पाएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना नीचे में। देन आपका वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। इसको 100% कम्प्लीट होने देना है, आपका वीडियो का फाइल भी सेव हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग जैसे ही देख सकते हो हमारे यहाँ से 100% कम्प्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप लोग को हो सकता है कि यहाँ से एक ऐड भी देखने को मिलता है, सिंपली आपको ऐड को यहाँ से कट कर देना है। तो इस तरह से ऐड को कट कर देना। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद फिर से आप लोग ये वाली वेबसाइट पर आ जाते हैं। ये वाली वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों आपका वीडियो फाइल भी सेम हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो 3 लेयर वाले वीडियो दोस्तों एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो जानकारी कैसे लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। और हमारे तारण भाई चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज। तब तक मिलते हैं वीडियो फिर से। बाय बाय।